इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। यमला पगला दीवाना। क्या अनिल शर्मा ने बदल दिया शेड्यूल? क्या करण देओल पर बड़ा प्रेशर? इन दिनों देओल खानदान बड़ा छा रहा है। वैसे उन्हें सुर्खियों में रहने के लिए किसी सनसनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी एक बड़ी सनसनी है। और अब सारा खानदान मिलकर आ रहा है अपनी नई फिल्म के साथ, नाम है अपने टू। अब नया बॉक्सिंग रिंग होगा और नए बॉक्सर्स होंगे, नए कॉम्पिटिटर्स होंगे, भाई प्यार में एक और हिस्सेदार भी होगा। क्या मतलब? देखिए, पहली फिल्म में धर्म, पाजी, सनी, बॉबी, इन तीनों ने हमें इमोशनल कर दिया था, और अब सनी के बेटे करण भी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। करण की एंट्री से कितनों को खुशी हुई पता नहीं, पर उनके डैडी और दादाजी को तो भंगड़ा करने का मन कर रहा होगा, क्योंकि उनकी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल में करण भी नोटिस किए जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि सीक्वल की शूटिंग में एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है? कुछ लोगों को लग रहा है कि शूटिंग कैंसिल हो चुकी है और इसके जिम्मेदार है धर्म पाजी। हमारा मतलब है कि धर्मेंद्र कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उसके पीछे की वजह थी उनका पीठ का दर्द, जिसके कारण सबके होश उड़ गए। अब इतने बड़े एक्टर को कुछ हो जाए तो मन में कैसे कैसे सवाल आते हैं। ऐसी हालत में तो 2.5 किलो का हाथ भी घबरा ही जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर धर्मेंद्र फिल्म का हिस्सा है और उन्हें कुछ हो गया तो फिर शूटिंग कैसे होगी? दोस्तों, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, अभी धर्मेंद्र जी बिल्कुल ठीक हैं, पर शूटिंग करने के सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अभी तो शूटिंग नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टर अनिल शर्मा भी अपने स्क्रिप्टिंग और बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। उनका भी मूड नहीं हो रहा है कि शूटिंग का शुभारम्भ करने का। धर्म पाजी की हालत की वजह से करण काफ़ी प्रेशर में आ गए हैं। जाहिर सी बात है, दादाजी है उनके, टेंशन तो होगी ना। पर उन्हें और एक बात की काफ़ी चिंता है, एक तो उनका करियर ट्रैक पर नहीं है, ऊपर से उन्हें बॉक्सर बनना है, बॉडी पर काम करना है, और अब शूटिंग में कोई गड़बड़ हो गई तो फिर सब मेहनत पानी में ही जाएगी। खैर, फिल्म के अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, पर अब शूटिंग का डामाडोल कारोबार देखकर रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। पर आप चिंता ना करें, जैसे ही हम आपको रिलीज डेट के बारे में बता देंगे, आप बस पॉपकॉर्न लेकर थिएटर में पहुंच जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की खबरें अच्छी लगी तो बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।